उत्तर प्रदेश के बरेली में दो समुदायों के बीच मारपीट हुई है। आपको बता दें कि बंद मकान की दीवार तोड़कर नमाज पढ़ने पर बवाल हुआ है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। ग्रामीणों ने अवैध मस्जिद निर्माण का यहां आरोप लगाया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई, जहां पर दो समुदायों के बीच मारपीट का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बंद मकान की दीवार तोड़कर नमाज पढ़ने को लेकर यह बवाल शुरू हुआ, जहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की है। थाना केलड़िया के ग्राम केलाडंडी में दोपहर को एक विवादित स्थल की दीवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तत्काल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 12 लोगों को 170 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया तथा पर्याप्त पुलिस बल लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई घोषित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, ये क्या मामला है, बरेली में क्यों विवाद हुआ, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो पूजा बता दूं कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला 2 महीने पहले है, अवैध मस्जिद बनाने, अवैध मस्जिद का अवैध दीवार बनाने को लेकर पूरा मामला है। गांव के काफी ज्यादा लोग हैं जो असंतुष्ट हैं अवैध दीवार को लेकर, जिसके बाद से पुलिस पिछले 2 महीने से वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट की हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मामला शांत पड़ रहा था, शिथिल पड़ रहा था, उसके बाद वहां से पुलिस हट भी रही थी। बीते कल दोपहर में अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने जो अवैध दीवार वहां पर थी, जो जिसको लेकर विवाद था, उसको गिरा दिया और अंदर जाकर नमाज वाज पढ़ने की बात निकलकर सामने आई, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने बीती रात स्थानीय विधायक के साथ भी वहां पर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। खबरें तो यहां तक हैं कि 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी भी हुई है। फिलहाल मौके पर सब कुछ शांति है, हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस की, पुलिस एक्शन में है, असामाजिक तत्वों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर